बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 दिन बीत गए हैं, मगर अब भी कोई तीसरा शूटर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले मेन शूटर शिवम कुमार गौतम अब भी फरार है। बता दें कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ साफ चेता दिया है कि बाबा सिद्दीकी के कातिलों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, सभी को फांसी पर लटकाया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर कर दी गई थी। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में है, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। बाबा सिद्दीकी कल सुपुर्द हुए, उनको फुल स्टेट ऑर्डर दिया गया, जांच भी चल रही है, पैरेलल 3 अरेस्ट, अब फ्रेश अरेस्ट भी हुई पुलिस से, बिश्नोई गैंग का भी नाम सबसे तो चीजें चल रही है बाबा सिद्दीकी के मर्डर के आसपास, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मैंने तो ये कहा भी है, फरवरी 2024 से अगर हम देखेंगे जहां एक पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई बीजेपी एमएलए और मिंडे सेना के लोगों में, फिर अभिषेक घुसालकर जी की डेथ हुई जो मुंबई हाईकोर्ट ने निर्देश दिए मुंबई पुलिस को कि आप ये जांच नहीं करेंगे, हैंड इट ओवर टू द सीबीआई, कि आज तक पता नहीं चल पाया है क्या मोटिव था, कैसे था, कौन और तीसरा वहां पे था या नहीं पता, वो अब सीबीआई ने टेक ओवर किया है। फिर कुछ ही दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार जी के ग्रुप के एक आदमी को बाइकला ईस्ट में स्टैब किया था, और अब हमें ये दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि यहां पे पूरा एक माहौल बना है लॉलेसनेस का, पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो चरमरा गया है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती है, और सरकार पे से सबका भरोसा उठ चुका है, या तो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिसे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।